वेलकम बैक टू माई व्लॉग चैनल गाइज। फाइनली गाइज आज जा रहे हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए, मस्त अभी निकल रहे हैं। और आज हमें खरीदना है शेरवानी सूट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, टाइम नहीं हमारे पास, इसलिए जल्दी से निकल रहे हैं। सो फाइनली गाइज हम अपनी शादी की शॉपिंग के लिए निकल गए। वहाँ पे हम पहुँच गए मलदैया। मलदैया पे बहुत सारी दुकान थी जहाँ पे दूल्हे वल्हे का सामान मिलता है, शेरवानी सूट वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती है। मैं पहुँच गया एक शॉप पे जहाँ बहुत बड़ी शॉप थी, वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ पे देखा मैंने शेरवानी पहना, वहाँ पे शेरवानी जो मैंने पहना वो काफ़ी बड़ी थी। तो भैया जो पहना रहे थे, मैं बताएं भैया आप बस एक बार पहन लो, बड़ी होगी तो कोई बात नहीं, यदि आपको पसंद है तो आपके साइज की फिटिंग करा देंगे हम। तो उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी दिखाई शेरवानी। उसके बाद जो है उन्होंने मुझे रेडी किया। मैंने एक ये वाली शेरवानी मुझे थोड़ी ठीक लग रही थी तो मैंने बोला इसका सेट लगाओ। तो उन्होंने मुझे पगड़ी के साथ साथ जो है दुपट्टे के साथ साथ उन्होंने जो है माला पहनाया। मुझे राजाओं वाली फील आ रही थी। फिर मैंने अपने आप को जो है शीशे में देखा कैसा दिख रहा है। तो फिर मैंने भैया से बोला कि भाई कुछ अलग दिखाओ। तो उन्होंने मुझे व्हाइट कलर का दिखाया पगड़ी और मैंने उसको लगाया। उसके बाद अपने आप को शीशा में देखा तो मुझे कुछ ज़्यादा अलग नहीं लुक आया। तो फिर उन्होंने बोला भैया जो दूल्हे के लिए बना है स्पेशली, जो पिछला वाला आपने पगड़ी पहना था वही सबके लिए बेस्ट होता है, तो हर कोई उसी को लगाता है। 90% दूल्हे ऐसे इसी कलर को यूज करते हैं। फिर से दोबारा जीजा ने मुझे फिर से उसी पगड़ी को लगाया, बोला विशाल तो बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, तो इसी पगड़ी को तू डन कर ले भैया। हमने बोला ठीक है जीजा जी। फिर मैंने डन करा, अपने आप को देखा शीशे में, फिर मुड़ मुड़ के बार बार देख रहा था, काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा था। मैं सोच रहा था कि लूँ या ना लूँ। भाई इतना तो कभी मुझे समय नहीं लगा लड़की को सेलेक्ट करने में जितना टाइम मुझे लग रहा अपने शेरवानी को सेलेक्ट करने में, भाई यार सही बताया। उसके बाद फिर मैंने अपने शेरवानी को देखा कहीं तो जो है शोल्डर पर टाइट हो रहा, तो मैंने बताया भैया को शोल्डर पे हल्का फुल्का टाइट है और जो है नीचे काफ़ी ढीला है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, टेंशन ना लो आप, बस आप बता दो आपको अच्छा है तो मैं सारी फिटिंग करा दूँगा। फाइनल कर रहा हूँ, फाइनल करूँ या ना करूँ कमेंट करो। अभी बहुत सारे देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसके अलावा इसके जो पगड़ी है, इसको क्या बोलते हैं पग, हाँ पाकिस्तान, इसके ऊपर मैं ये जो है क्रीम कलर का पग रखूँ या मैं ब्राउन रखूँ, आप कमेंट करके जल्दी से बता दो क्योंकि घर की दुकान है ना, है ना, तो चेंज कर लेंगे। गाइस यहाँ से हम लोग ने शेरवानी डन करके अब जा रहे हैं हम लोग नीचे, नीचे वहाँ पे चल के अभी हमें कोट वगैरह देखनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, साइज देख लीजिए सही है ना। तो गाइस उसके बाद हम लोग जो आ गए नीचे जो है सूट वगैरह लेने के लिए, यहाँ पे कोट देख रहा था मैं, बहुत सारे कोट ट्राई कर रहा था बट हमें कोई कोट पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ पे साइज फिटिंग तो आ रही थी बट हमने कई तरह के कोट पहनाया, उसने बहुत सारी ट्राई कराया बट हमें कोई सा नहीं पसंद आ रहा था उसके दुकान पे। फिर हमने बोला जीजा जी से, जीजा जी बहुत ट्राई करें, बहुत ट्राई करा, उन्होंने बोला कोई तो कोई पसंद कर लो, तो हमने बोला नहीं हमें कोई पसंद नहीं आया। हम लोग निकल गए बाहर को, वहाँ पे फिर हम लोग गए मान्यवर, मान्यवर में मना कर दिया जीजा ने, बोला उन्होंने कि सामने स्वयंवर है वहाँ पे चलो, स्वयंवर में काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं स्वयंवर के लिए फिर जीजा के साथ निकल गया। वहाँ पे जो भैया मिले उन्होंने मुझे जैकेट दिखाई, सॉरी जैकेट नहीं कोट दिखाई, और मैं कोट वहाँ पे वियर कर रहा था। काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे जो है कोट थी, मैंने बहुत सारी कोट वहाँ पे देखी, वियर भी करा। फिर उसके बाद मुझे इसकी फिटिंग थोड़ी अच्छी लग रही थी और कपड़े क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने बोला इसका पूरा सेट दो नीचे का भी, तो पहन के आता हूँ एक बार के लिए। तो फिर उसके बाद मैं चला जाता हूँ ट्रायल रूम में, ट्रायल रूम में जाके वहाँ पे मैं चेक करता हूँ, चेक करके पहन के मैं बाहर निकलता हूँ हीरो के स्टाइल में। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, जीजा ने बताया काफ़ी अच्छा है, फिर बैठ के देखा काफ़ी स्ट्रेचेबल भी था, इस सच में कपड़े क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। फिर उसके बाद मैं गई चला गया काउंटर के पास, काउंटर के पास जाके मैं वहाँ पर बिलिंग कराया, पेमेंट करा, उन्होंने जो है पेमेंट ली और जो है हमें एक रिसिप्ट दी। उसके बाद रिसिप्ट को काफ़ी अच्छे से पैक करके दिया, तो उन्होंने उसको मैं दिखा रहा हूँ देख रहे होगे आप। तो वहाँ पे मैंने रिसिप्ट लेके चला गया घर क्योंकि उन्होंने बोला कि आपको फिटिंग करके दिया जाएगा, तो दो दिन बाद उन्होंने बुलाया था, तो फिर मैं दो दिन बाद गया था लेने के लिए। और हल्दी का ब्लॉग आगे आने वाला है गाइज, वेट एंड